उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इसमें शासन प्रशासन पूर्ण रूप से इनके साथ मिला हुआ है। कहीं ना कहीं अब जो अरेस्ट हो चुके तीनों आरोपी, और तो उसमें ये लग रहा है कि अभी भी उनको पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए कि ताकि उसको न्याय मिल पाए, क्योंकि वो बहन अब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन हम उसको आत्मा को उसकी जो है उसको सही ढंग से या उसे कुछ ये कहे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। देखिए पहले जो तीन आरोपी है उनको सजा क्या मिलेगी, आप इस बात की कौन गारंटी देता है कि उन्हें फांसी मिले? अगर फांसी मिल भी जाती है तो जिन बाप ने अपनी लड़की को खोया, जिस भाई अपनी बहन को खोया, क्या उन्हें संतुष्टि मिलेगी? इन सालों को तो ऑन द स्पॉट मार दिया जाना चाहिए था, ये फालतू में जेल में रहेंगे और सरकार का पूरा राशन ये फ्री में खाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये आप तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, आ जाइए, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस ये जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए जेसीबी आया, लेकिन लोगों का ये कहना इतना ही रहना, लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जेसीबी आया है, जिस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हो रही है। लोगों का ये आरोप है कि एक सिर्फ इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर गिराया गया है, उसके बाद प्रशासन का ये कहना है कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर सील किया जाएगा, लेकिन सील करना या फिर ध्वस्त करना ये इसमें कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा है। लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया जाना चाहिए। लोगों ने ये भी बताया कि प्रशासन का क्योंकि ये कहना है कि साक्ष्यों को जुटाया जाएगा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जहाँ पर साक्ष्य नहीं है उस हिस्से को पीछे फैक्ट्री हिस्सा जैसा कि लोगों ने बताया यहां पर एक है उसको भी ध्वस्त करने के लिए कहा है। एक बार फिर से आपको ये जगह हम आपको दिखा देते हैं इस वक्त, पहले एक बार फिर से वो रूम दिखाते हैं आपको जहां पर अंकिता जो है अंकिता भंडारी जिसकी हत्या हुई है वो यहां पर रहती थी, और ये मेन एंट्रेंस इस रिजॉर्ट का है। ये बाहर से मैं आपको दिखाऊं, इस दीवार को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। एक बार फिर से आप देखिए, ये वही रूम है जहाँ पर अंकिता जो भंडारी है जिसकी हत्या कर दी गई थी और जिसका शव आज सुबह बरामद हुआ है। तीन आरोपियों को जो पुलकित आर्य है मुख्य आरोपी उसको भी गिरफ्तार किया गया है, और ये वही रूम है जहाँ पर अंकिता रहती थी, इसकी दीवार को भी गिराया गया है, लेकिन जेसीबी बुलडोजर जो है वो इस वक्त यहाँ से चला गया है। और बाकी का जो हिस्सा है इस रिजॉर्ट का वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद है, लोगों के अंदर गुस्सा भी है, आक्रोश भी है इस बात को लेकर कि उनका मानना यह है कि पूरी तरीके से इस रिजॉर्ट को यहाँ पर ध्वस्त किया जाए। जो कार्रवाई की गई है ये आधी अधूरी कार्रवाई है, कल रात को बड़ी ही तेज़ी के साथ जेसीबी यहाँ पर पहुँचा, लेकिन उसके बाद अब जेसीबी यहाँ से निकल गया है। तो वनंतरा रिजॉर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसको इस इतने हिस्से को जेसीबी से ध्वस्त किया गया, लेकिन इसके बाद जेसीबी जो है वो यहाँ से निकल चुका है, और ये पूरा हिस्सा है यहाँ पर पुलिस के कुछ लोग हैं, प्रशासन के भी कुछ लोग हैं, डीएम और एसएसपी जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौजूद थे, वो लोग अब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। उनकी ये डिमांड है कि इतने ध्वस्त करने से काम नहीं चलेगा, या तो इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, और अगर आपको साक्ष्य जुटाने हैं तो फिर इतनी जल्दी इसको ध्वस्त क्यों किया गया, क्योंकि अगर साक्ष्य ही जुटाने हैं तो इतनी जल्दी ध्वस्त करने से क्या वो साक्ष्य गड़बड़ नहीं होंगे। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वनंतरा रिजॉर्ट में, और वनंतरा रिजॉर्ट की ये जो तस्वीरें हैं ये आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर इसको ध्वस्त तो कर दिया गया आधे हिस्से को, लेकिन इसके बाद जेसीबी यहां से चला गया, और बताया जा रहा है कि सील इसको यहां पर किया जा रहा है।